या देवी सर्वभूतेषु मां शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्ये नमोस्तस्ये नमोस्तस्ये नमो नमः बोल जय माता दी। मैं धर्मेंद्र गोस्वामी स्वागत करूं आपके अपने चैनल ब्रज दर्पण पे। जैसा कि आज मैं आपको बता दूं, आज हम आए हैं ब्रजमंडल की प्रमुख देवी नरसिंहमरी मैया के दर्शन करने। जो आप पीछे मेरे द्वार देख रहे हैं, ये नरसिंहमरी मैया का द्वार है। आपको मैं बता दूं कि जो सिंहमरी मैया के जो दर्शन करने आए हैं, ये मथुरा डिस्ट्रिक्ट के आगरा दिल्ली हाईवे से लगा हुआ गांव है सिंहमरी गांव। उस सिंहमरी गांव में ये माता के दर्शन होते हैं। आइए मेरे साथ चलते हैं मैया के दर्शन करने के लिए। जय हो माता रानी। तो अब बिल्कुल हम मुख्य द्वार पे मैया के पहुंच गए हैं सिंहमरी मैया के। आप आइए मेरे साथ और एंट्री करते हैं यहाँ से अंदर दर्शन के लिए। जैसे कि आप मेरे पीछे देख रहे हैं, बिल्कुल सिंहमरी मैया के दर्शन के लिए बिल्कुल आ गए हैं। आगे आइए मेरे साथ और जय हो मैया रानी की, जय हो पुजारी जी। ये देखो काफ़ी सुंदर दर्शन हो रहे हैं मैया के, और पुजारी जी भी हमारी सेवा में। और अब की बार कोरोना की वजह से यहाँ बहुत कम लोग आए हैं, भीड़ भी कम है, नहीं तो यहाँ बहुत बड़ा मेला लगता था हमारे ब्रजवासियों का। बड़ा भाव जुड़ा हुआ है नेहरू मेमोरियल में। जैसे कि मैं देख रहा हूँ कि मैया की कृपा से हम बिल्कुल मैया के सामने खड़े हैं, और मेरे साथ में यहाँ के पुजारी जी हैं, और देखते हैं वो मैया के क्या भाव रखते हैं। तो प्रभु मैया के क्या भाव आप रखते हैं? देखो, हमारी जो माता की सेवा है वो बहुत अच्छी तरह चल रही है, और सरकार के द्वारा जो गाइडलाइंस दी गई हैं उनका खूब बखूबी पालन किया जा रहा है। कम से कम भीड़, प्रयास ये है कि भीड़ ज़्यादातर इकट्ठी ना हो, ज़्यादा से ज़्यादा 5 या 6 लोग अंदर हम दर्शन करा रहे हैं। मंदिर से बाहर मंदिर की बैरिकेडिंग कराई गई है। और ये जो आप ये जो मैया हैं, ये जो तीन हैं, इनकी लीला क्या रही है और क्या भाव सिंहमरी के लोग यहाँ रखते हैं, क्या इसके पीछे लीला रही है? अच्छा, एक ध्यानु भगत थे मैया के, बहुत प्रिय भक्त थे, आगरा से। वो उनके यहाँ शादी थी तो वो गए थे नगरकोट। उन्होंने माताजी से बोला था कि मेरे यहाँ शादी है और माताजी आपको आना है ज़रूर। तो माताजी ने उनसे वादा किया था कि ठीक है मैं आऊँगी ज़रूर। वो लेने गए थे माताजी को वहाँ पे नगरकोट, तो वो आगे आगे चल रहे थे और माताजी पीछे पीछे। तो माताजी ने उनसे एक शर्त रखी थी कि आप जहाँ भी मुड़ के देख लोगे मैं वहीं अंतर ध्यान हो जाऊँगी। तो उसके बाद में सिंहमरी पर आकर यहाँ उन्होंने जैसे पीछे मुड़ के देखा कि वास्तव में मैया आ रही है या नहीं। तो मैया, शर्त तो उनकी थी यहीं पे अंतर ध्यान हो गई। यहाँ हमारे पूर्वज थे बाबा अजीत आसीन जी, वो यहाँ भजन ध्यान किया करते थे। तो मैया ने उनको सपना दिया कि मैं यहाँ अंतर ध्यान हूँ झाड़ियों में, और आप मतलब मेरे मंदिर का निर्माण कराएं, स्वप्न दिया था मैया ने। उसके बाद में बाबा अजीता सिंह जी ने, ठाकुर अजीता सिंह जी ने यहाँ मतलब एक छोटे से मंदिर का निर्माण कराया, मठ के रूप में छोटे से मंदिर का निर्माण कराया। तो पुराना मंदिर है ये बताओ? कन्फर्म तो मैं नहीं कह पाऊँगा, लेकिन काफ़ी पुराना मंदिर है। कम से कम ज़्यादा भी नहीं तो मेरे अंदाज में 800-900 साल पुराना मंदिर मैया का। तो ये जो दर्शन कर रहे हैं आप, दिखाइए ये मैया के जो दर्शन है। पुजारी जी बताना कौन कौन सी मैया के कैसे दर्शन है? ये जो इधर की साइड में है वो तो माँ सरस्वती जी हैं, और बीच में है ये सिंहमरी वाली हैं और नगरकोट वाली हैं, और जो इधर हैं वो महालक्ष्मी जी हैं, और ये लांगड़ा बलवीर हैं मैया के बाद। तो बड़े ही सुंदर, बड़े भाव से इन्होंने पुजारी जी ने हमको बताया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और बड़ा आनंद हम यहाँ के मिला है, और मैया के आपने दर्शन किए हैं, और बड़ी कृपा हुई हम पे और आप पे जो ये पल हमको मिला मैया का। और आप दर्शन करिए मंदिर प्रांगण से। जैसा कि मैंने बताया कि मैया जब कृपा करे हैं वो ऐसी कृपा करे हैं कि बड़े सुंदर दर्शन दिए, ये प्रसादी मिली है, और ये माला भी मैया ने कृपा के रूप में मुझे दी है। मैं अब आपको बता दूं कि जैसे आपने दर्शन किए, पुजारी जी ने दर्शन कराए, उसके बाद ये परिक्रमा है। आइए मेरे साथ, ये सुहाग मैया के सुहाग का सामान है। ये अब की बार भीड़ बहुत कम है,
कोरोना गाइडलाइंस की वजह से भीड़ बहुत कम है, नहीं तो यहाँ पैर रखने की जगह नहीं मिलती थी। ठीक है, और आप देख सकते हैं बिल्कुल भीड़ ना के बराबर ही है। और इस तरह से ये परिक्रमा बिल्कुल पूरी हो जाएगी, ये मठ की पूरी परिक्रमा है। और जैसा आप देख रहे हैं कि बड़ा सुंदर भाव है, बड़ी कृपा की यही जगह है। मैं एक आपको विशेष बात बताऊं कि ब्रजमंडल की जितनी भी देवी हैं, जैसे कि हमने पिछले वीडियो में सांसौली मैया के दर्शन कराए और आज की वीडियो में आपको हम सैमरी मैया के जो दर्शन करा रहे हैं, तो यकीन मानिए कृपा की मूर्ति है ये ब्रजमंडल की। यहाँ एक बार जरूर आइए और ये माता की कृपा आपको अवश्य मिलेगी, ये मेरा भाव है। ये आप जो देख रहे हैं ये रस भी ब्रजवासियों का है और इस बंदर को भी ब्रजवासी बोलते हैं। हाँ भैया, कहाँ नाम है तेरा? राधे राधे, चलो उतर जाओ। तो ये जो मेले के आप दर्शन कर रहे हैं, ये देखिए ये कुछ रंग हैं हमारे ब्रजवासी के मेले के, ये ब्रजमंडल के। अब की बार भीड़ की वजह से पास में ही आपको ये कुंड को दर्शन मिलेंगे और इसी कुंड में सभी भक्त लोग स्नान करते हैं। और ब्रजमंडल में तो अनेकों अनेक कुंड हैं और ब्रजमंडल की तो रज रज की महिमा अलग है। और आप यहाँ के दर्शन करिए, बड़े सुंदर लोग स्नान कर रहे हैं। आप यकीन समझो यह कुंड में एक बार आचमन जरूर करें। आचमन करने को भाव ये है कि मैया की कृपा रज मानो जाए ये कुंड। और देख रहे हैं आप, हमारे जितने भी लोकल ब्रजवासी छोटे छोटे बच्चा ने नवा रहे हैं। तो कुंड में जब आप स्नान करोगे तो कुंड में स्नान के साथ साथ आप देख रहे हैं ये जो नाव है, ये यहाँ की यात्रा के लिए भी, आपकी सेवा के लिए रखा हुआ। आप जब जब भी आएंगे तो आप नाव से भी यहाँ की सवारी कर सकते हैं। और बाकी आप ब्रजमंडल की सुंदरता के आनंद लीजिए। ब्रजमंडल की कृपामयी मूर्ति मैया सैमरी के दर्शन आज आपने और हमने किए। तो आज की यात्रा हमारी यहीं समाप्त होती है। तो आपको आज को वीडियो हमारा कैसा लगा आप हमें कमेंट करके एक बार ज़रूर बताएँ। हमारे चैनल को शेयर करें और हमारे ब्रजमंडल के समस्त आनंद के लिए एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसी के साथ नरी सैमरी और इस कुंड से आप सभी को प्यार भरा राधे राधे।